हमारा फ्रेंड हो गया, पहले फ्रेंड को 20 से कट कर लेंगे, 13 इंच पे कट करेंगे, यहाँ से 13 इंच यहाँ देंगे, ये बटन की पट्टी है, कपड़ा कट कर लेंगे। एक कांच की पट्टी, पहले एक किनारी का सिलाई मार लेंगे इसको। इसमें एक दाब का मार्जिन अंदर डाल के सिलाई मार लेंगे। कपड़ा को अच्छा दोनों तरफ से अच्छे से खींच लेंगे, ये कहीं पे रिंकल ना रहे और फिनिशिंग आए। ये ताबी जी इसको सही से पॉइंट लेकर लेंगे। अपन पैकेट के लिए मार्क लगाएंगे। ऊपर से 8.5 इंच ले लेंगे, साइड से 2 इंच, इसमें अंदर बाहर दोनों तरफ पैकेट है। हमारे ऊपर पैकेट रहेगा, इसमें 1 इंच सिलाई रहेगा, 1 इंच चौड़ा सिलाई। हमने जो ये मार्क लगाया है, ये मार्क के हिसाब से नीचे का मार्क उठा लेना है, नीचे का पैकेट लगा लेंगे पहले। नीचे का पैकेट 1/2 इंच छोटा रहेगी।
इसको ये फ्रेंड हो गया, अब बैक फ्रेंड दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये नीचा ही हिस्सा रहेगा, नीचा का हिस्सा में हम इसको रखेंगे और बैक को रख के सुल्तानी मोड़ के ऊपर से एक किनारी का सिलाई मारेंगे। अब हम पहले कॉलर बनाएंगे, इसमें कॉलर लगा के पूरा ओके हो जाएगी तो हम साइड का आस्तीन ज्वाइन कर लेंगे। इसको फोल्ड करके बीच में एक चट्टा लगा लेंगे, अब पलटी कर लेंगे। दोनों पल्ला को बराबर करके हम नापेंगे कॉलर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए हमारा इतना कपड़ा छटेगा। इसको फोल्ड करके इतना कपड़ा छाट लेंगे पहले। ये देखेंगे आ रही है, थोड़ा और छाटना पड़ेगा। इसको अच्छा से हम गोल कर लेंगे, अगर गोल नहीं इसको गोल सही से नहीं कर पाएंगे तो हमारा कॉलर अच्छा गोल नहीं होगा बनने के बाद। अभी ये हमारा कॉलर कॉलर और बॉडी दोनों सेम हो गई, बीच में एक चक्का लगा देंगे। उल्टा हिस्सा पकड़ेंगे, बॉडी को उल्टा रखेंगे, कॉलर को यहाँ पे एक डाको मार्जिन लेके सिलाई मार लेंगे। चटका में चटका मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमारे तो चटका में चटका मिल गया। इसको ऊपर से एक किनारे का सिलाई मार लेंगे।
जो हमने ये आर्मोल का चटका लगाया था, इस दोनों चटका को पकड़ लेंगे, यहाँ पे एक चटका मार लेंगे जो हम टली पहले से बना के रखे हैं वो इसमें अटैच कर लेंगे। एक चटका में चटका मिला लेंगे, इस तरह ये हमारा नीचे थोड़ा बढ़ रहा है, बाद में इसको छांट लेंगे, कपड़े को कट कर लेंगे। इसको पलटी मार लेंगे, पलटी मार के ये जहाँ पे हमने आर्मोल पे कम से कम आधा दाब सिलाई मार लेंगे, ये हमारा आर्मोल हो गया, ताकि आर्मोल के पास अच्छा लगे देखने में और फिनिशिंग बैठे। ये आधा दाब का सिलाई मार लेंगे, इसको दोनों को बराबर करके हम इसको नीचे जो कपड़ा बढ़ रही है इसको काट कर लेंगे। दूसरा पल्ला भी इसी तरह हम काट कर लेंगे। नीचे हम मोड़ेंगे, साइड में रहेगी बाड़ी, नीचे मोड़ेंगे एक दाग। हमारा कली वाला कुर्ता बन के तैयार हो गई है। कलर भी गोल, अच्छा बहुत अच्छे बैठी, कलर गोल बैठी है, तो कभी भी कलर कट कीजिएगा तो मैं यहाँ से गोल कीजिएगा तो बहुत फिनिशिंग बैठेगी। ठीक है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।